फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल और रूप्स। आज के इस वीडियो में मैं मधुमेह यानी डायबिटीज़ के इलाज के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ घरेलू टिप्स आपको बताऊँगी जिनकी हेल्प से आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जिसको कंट्रोल तो कर सकते हैं, पर हम इसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको एक बार डायबिटीज़ हो जाती है तो पूरी लाइफ आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसी आपकी लाइफस्टाइल है, इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस बीमारी में आपको अधिक टाइम तक भूखे नहीं रहना होता है, आपको खाना खाना होता है जिसमें स्टार्च ना हो। ऐसा आप खाना खाएं जिसमें स्टार्च ना हो, मीठा तो आपको खाना ही नहीं होता है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग इन सब बातों का ध्यान भी रखते हैं लेकिन फिर भी उनका कम नहीं होता है। तो आइए आज मैं ऐसे टिप्स आपको बताती हूँ जिनकी हेल्प से आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर। अब हम आपको मधुमेह के लक्षण कुछ बता देते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, धुंधलापन आँखों में, घाव का देर से भरना, स्किन में इन्फेक्शन होना, प्यास बहुत अधिक लगना, थकान और आपको ओरल इन्फेक्शन होना। इस तरीके के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे आपको मतलब पता चलता है कि आपको शुगर वाली प्रॉब्लम है या नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा तादाद में शुगर के पेशेंट आपको मिलेंगे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो 10 अगर लोगों की बात करें तो उसमें एक या दो शुगर का पेशेंट तो होगा ही होगा। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए दो चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, एक तो उनका आहार और एक व्यायाम। अब हम इसके उपायों के बारे में जान लेते हैं। पहला इसका उपाय है जामुन के बीज। डायबिटीज़ के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जामुन के बीज का यूज किया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जामुन की गुठलियों को धोकर सुखा लेना है, फिर इसको पीस लेना है, इसका चूर्ण बना लेना है। अब इसे सुबह उठकर गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है, इससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आपको हेल्प मिलेगी। अब इसका दूसरा उपाय क्या है, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। इसमें क्या होता है, अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम करने में हेल्प मिलती है, यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। अगर इस तेल का हम लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं तो हमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। अब इसका तीसरा उपाय क्या है, लहसुन। लहसुन तो हमारे घरों में होता ही है, खाने में हम इसका सेवन करते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने और शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। अब आपको करना क्या है, लहसुन की 2-3 कलियों को भिगो देना है और सुबह उठकर खाली पेट इसको चबाकर खा लेना है, तो इससे आपको शुगर कंट्रोल में हेल्प मिलेगी। इसका चौथा उपाय कौन सा है, तुलसी। तुलसी का सेवन अगर शुगर वाले पेशेंट करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी में सुधार होता है, तुलसी ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करती है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको मधुमेह के इलाज के बारे में बताया, कुछ घरेलू टिप्स बताए जिनको ध्यान में रख के आप अपनी मधुमेह को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाय बाय।